हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरके एलईडी टीवी सॉल्यूशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये मेरे पास 22 इंच का टीवी है सैमसंग, इसमें ब्लैक एंड वाइट पिक्चर का प्रॉब्लम है। आवाज़ वगैरह सब कुछ क्लियर है, सब कुछ ओके है, बस इसमें प्रॉब्लम है कि ये पिक्चर पूरा सादा चलता है, इसमें लाइन दे देते हैं। दिखलाते हैं आप लोगों को, ये इसका एडाप्टर है 19 वोल्ट का, ये हम एडाप्टर लगा देंगे, लाइन देखे देखेंगे। इसमें सादा ब्लैक एंड वाइट पिक्चर आ रहा है तो इसको कैसे सही किया जाएगा ये आप अभी देखेंगे, और अच्छे समझने के लिए पूरा वीडियो देखें तभी आपको समझ आएगा। अभी हम इसमें लाइन दे दिए हैं, देखिए ये भी कार्ड भी लगा हुआ है, देखिए इसमें पूरा ब्लैक एंड वाइट पिक्चर आ रहा है और रेड रेड टाइप का। तो इसमें प्रॉब्लम है कि ये ए भी जो है इसका हाईलाइट नहीं हो रहा है और इसमें कंपोनेंट पर चल रहा है जो कि नहीं चलना चाहिए था, उस पर ए भी पर चलना चाहिए था और ए भी इसका सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है, हाईलाइट नहीं है। तो इसे हम सही करेंगे अभी पूरा। अगर अच्छा समझना चाहते हैं तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए तभी आपको समझ आएगा रिपेयर, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। हम इसे टीवी का सारा नट हम पहले से खोल करके रखे हुए थे, क्योंकि अगर खोलेंगे सब कुछ करेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसलिए हम पहले से खोल करके रखते हैं तब जाके आप लोगों को दिखलाते हैं चेक करके। देखिए कवर हटा दिए इसका, अब इसमें नट जो लगा हुआ है बोर्ड का, इस नट को खोलेंगे और ये जो देख रहे हैं इसमें सॉकेट पीला और हरा जो कलर मर्ज है वो ये भी का है, वीडियो का है। पहले हम इसका नट खोल लेते हैं, दो नट लगा हुआ है इसमें, दोनों नट को हम हटा लेंगे। उसके बाद ये ए भी का और ये कंपोनेंट का है और ये दोनों ऑडियो का है, तो इसमें हमको ए भी के बगल वाला जो सॉकेट है इसमें देखिए ये आपस में सब बीप देना चाहिए, आपस में सब बीप देना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग मेरा मल्टीमीटर देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर मल्टीमीटर का जो एलईडी बल्ब है उसमें देखिएगा जलेगा, क्योंकि इसमें नहीं जल रहा है, देख रहे हैं। अगर जलता तो बीप रेंज में वो सही रहता। इसको देखते हैं, ये भी वाला वीडियो वाला सॉकेट है, ये इसमें देखिए जल रहा है, ये सही है, ये ठीक है, ओके है। तो ऐसे ही इसमें भी जलना चाहिए था कंपोनेंट वाला में, बट उसमें नहीं जल रहा है, इसमें देखिए जल रहा है, इसमें देखिए, इसमें नहीं जल रहा है, थोड़ा भी नहीं जल रहा है इसमें। और इसमें फिर से दिखाते हैं आपको, देखिए इसमें जल रहा है, आप लोग देखिएगा गौर से, देखिए नीचे मल्टीमीटर में तो जल रहा है और इसमें नहीं जल रहा है थोड़ा भी। तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, देखिए फिर से इसको जल रहा है और इसमें जल नहीं रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इस दोनों को आपस में ज्वाइंट कर देंगे, एक जम्पर लेकर के दोनों को ज्वाइंट कर देंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि बीप देना चाहिए था और बीप दे नहीं रहा था, तो इसे हम इस तार के जरिए ज्वाइंट करेंगे। उसके बाद आप लोगों को पिक्चर दिखलाएंगे कैसा चल रहा है, देखिए छोटा सा एकदम छोटा सा तार है, इसको हम जोड़ देंगे और फिर उसके बाद अब टीवी चालू करके देखेंगे हम कि कैसा चला।
और कैसा नहीं चला। पहले इसको बोर्ड को हम रख देते हैं और इसे एक मिनट फंसा देते हैं ताकि बोर्ड इधर गिरे नहीं। इसमें इसको नट को कस देते हैं, उसके बाद देखिएगा टीवी ऑन करके देखेंगे पिक्चर क्लियर आया, रंगीन आया या सादा ही है। ये अभी टीवी हम लाइन देंगे, उसके बाद रिजल्ट का पता चलेगा। लाइन दे दी है, अब इसमें हम ए भी कार्ड भी फंसा लेते हैं तभी तो पिक्चर का पता चलेगा पिक्चर सही चल रहा है या फिर वैसा ही है। ए भी कार्ड भी मैंने लगा दिया है, अब टीवी को ऊपर करके देखेंगे। पहले इसका लाइन यहाँ स्विच ऑन कर दिए, अब टीवी में देखेंगे कि पिक्चर कैसा आ रहा है। देखिए टीवी तो चालू हो गया है, अब ये टीवी कंपोनेंट पर सिलेक्ट है, कंपोनेंट पर सादा ही चलता है, उसमें अभी हाईलाइट नहीं हो रहा था। इसमें देखते हैं कंपोनेंट पर सिलेक्ट है, इसको हम ए भी में करेंगे तभी पिक्चर आएगा। टीवी कंपोनेंट है ये, नो केबल कनेक्टेड, इसको रिमोट से हम ए भी करेंगे अभी। ये देखिए यहाँ पर टीवी है, रिमोट इसका सही से काम नहीं कर रहा है। देखिए ये ए भी वी सी आर हाईलाइट हो चुका है। अब पिक्चर देखिए, ये देखिए एकदम अच्छा चल रहा है। तो अगर सादा पिक्चर का फॉल्ट आता है तो इसे हम आंख मूंद करके पैनल की ओर ना देखेंगे, पहले मदरबोर्ड पर चेक कर लेंगे, क्योंकि कई बार होता है कि ऐसे में हमें लगता है कि पैनल का फॉल्ट हो, तो ऐसा नहीं है, यहीं से ठीक हो जाता है। तो धन्यवाद, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर